नमस्ते, इसी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेनिटा डिसोजा। आज हम कुटाजा अरिष्ट के बारे में जानेंगे। कुटाजा अरिष्ट एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग दस्त, अतिसार, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। इसमें 5 से 10% स्वनिर्मित नेचुरल अल्कोहल है। इसका रेफरेंस वैशर्य रत्नावली नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ से लिया है, अतिसार अध्याय वर्सेस 97-99। अब हम कुटाजा अरिष्ट के उपयोग जानेंगे। इसका उपयोग दस्त, पेचिश, बुखार, आंत का रक्तस्राव, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज, बवासीर आदि में कुटाजा अरिष्ट का उपयोग किया जाता है। अब हम कुछ डाइट के बारे में बताएंगे जिसे हमें कुटाजा अरिष्ट को लेते समय ध्यान में रखना है। जैसे कि खूब पानी पीना जरूरी है, दही, चावल, ब्लूबेरी, मेथी के बीज आदि हम ले सकते हैं। और कुछ चीजें हमें अवॉइड करना है जैसे कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, फूल गोभी, गोभी, बेरीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अजवाइन, बीन्स, मशरूम और संतरे को हम अवॉइड करें। कुटाजा अरिष्ट का डोज 12 से 25 ml दिन में एक या दो बार ले सकते हैं। आमतौर पर भोजन के बाद दी जाती है। यदि जरूरत हो तो इसे बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं। कुटाजा अरिष्ट का साइड इफेक्ट्स, नॉर्मल डोज में इसका दुष्प्रभाव वैसे नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से कब्जा हो सकता है। 5 वर्ष की आयु के बच्चों में कम मात्रा में इस दवा का उपयोग करना सुरक्षित है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इस दवा से बचे या डॉक्टर से सलाह लेने के बाद लेना सुरक्षित है। कुटाजा अरिष्ट के कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें कुटाजा, किशमिश, मधुका, कश्मीरी गुड़ और दातकी जो फर्मेंटेशन में सहायक है। कुटाजा अरिष्ट का निर्माण कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जैसे सांडू, डाबर, वैद्यनाथ, वैद्यशाला, एवीपी इत्यादि। इसकी एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग की तारीख से 10 साल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया भेंट कीजिए easyayurveda.com।